स्वच्छता अभियान के तहत शारदा विद्यालय वैशाली नगर से विशाल रैली विद्यार्थियों ने निकाली। शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल के डायरेक्टर के दिशा निर्देशन में निकली रैली ने स्वच्छता का संदेश देते हुए लोगों को जागरूक किया। अपनी बेहतर शिक्षण शैली के लिए चर्चित शिक्षण संस्थान शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल लगातार बेहतर शिक्षा के साथ अन्य गतिविधियों में भी विद्यार्थियों को पारंगत कर रहा है। साथ ही समय समय पर स्वच्छता का संदेश देते हुए लोगों को जागरूक भी करता आ रहा है। इसी कड़ी में स्वच्छता अभियान के तहत स्कूल के डायरेक्टर संजय ओझा के नेतृत्व में स्कूली विद्यार्थियों ने शारदा विद्यालय से विशाल रैली निकालकर क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया। साथ ही क्षेत्र की सफाई की, इसके साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर भी लोगों को जागरूक किया। रैली को लेकर स्कूल के डायरेक्टर संजय ओझा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वच्छता अभियान के तहत शारदा विद्यालय वैशाली नगर से बच्चों ने एक रैली निकाली और पूरे क्षेत्र के उधर व्यापारियों को, नागरिकों को उन्होंने एक मैसेज दिया कि आप अपने दुकानों को, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखिए, साफ रखिए। साथ ही उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ भी उन्होंने अपना वो दिया कि आप उसमें प्लास्टिक की थैली को हटा करके आप इसमें कागज की थैली या कपड़े की थैली में ही सारे सामान अपने उनको दीजिए, ग्राहकों को दीजिए। काफ़ी अच्छी रैली थी, बच्चे काफ़ी उत्साहित थे। छोटे छोटे बच्चे थे, 7th 8th के बच्चे थे, मिडिल क्लास के बच्चे थे, लेकिन उनकी उत्सुकता देखते ही बन रही थी और रैली पूरा परदेशी चौक तक भ्रमण करके इंदिरा चौक को भ्रमण करते हुए वापस स्कूल में समापन किया गया। मैडम, इसका सर स्वच्छता को लेकर आपने पहले भी अलग जगाई है, ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका भी रही है, क्योंकि आप एक दो स्कूल को एक साथ संचालित करते हैं और बच्चों में, दोनों स्कूल के बच्चों में किस तरह की अवेयरनेस है, क्योंकि एक दोनों ही एरिया टाउनशिप के दोनों अलग अलग विपरीत क्षेत्रों में आता है। मैडम, निश्चित मान के चलिए कि जो टाउनशिप के इधर का वैशाली नगर का एरिया है, यहाँ पर हमें सफाई पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि टाउनशिप के उस साइड में सेक्टर का एरिया है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत कम है मैडम, इसलिए वहाँ पर जो सफाई की उतनी समस्या नहीं हो पाती है। लेकिन हमारे टाउनशिप से हट के जब हम वैशाली नगर विधानसभा में आते हैं तो चूँकि जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा होने के कारण हमें सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ये उसका सबसे बड़ा कारण है मैडम। और चूँकि रही बात बच्चों की, दोनों स्कूल के बच्चे हमारे सारे तीनों स्कूल में जितने भी हमारे सकुंदा ग्रुप ऑफ स्कूल के बच्चे हैं सब जगह अवेयर है मैडम। हम लगातार सफाई को लेकर के खासकर हम हमेशा अभियान चलाते हैं। कोई भी व्यक्ति, हमारे क्षेत्र का नागरिक, हमारे क्षेत्र का पालक कभी भी आके हमारे सभी स्कूलों को देख सकता है कि हम स्कूलों के अंदर में कितना स्वच्छ रूप से रहते हैं, बच्चों को हम क्या शिक्षा दे रहे हैं स्वच्छता को लेकर के। मैं चाहता हूँ जैसे हमारे बच्चे स्वच्छता को लेकर जागरूक है, पर्यावरण को लेकर जागरूक है, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जागरूक है, क्षेत्र के समस्त बच्चे अपने विद्यालय में भी इस बात को समझें और अपने अपने मम्मी पापा को भी अवेयर करें, क्षेत्र के नागरिकों को अवेयर करें। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, तो स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो प्रगतिशील रहेंगे, हमारा ये मोटर है। बहरहाल रैली ने विभिन्न चौक चौराहों का सफर तय कर स्कूल में रैली का समापन किया गया। स्कूल के डायरेक्टर संजय ओझा सहित बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी यहां पर जागरूकता पूर्वक शामिल रहे। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।